वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी फरी गुजरात आवशे। वडाप्रधान मोदी 17 एप्रिले गुजरात आवाना छे। तेवो आ दिवसे सोमनाथ की मुलाकात लेशे। 17 एप्रिले पीएम मोदी सोमनाथ महादेव दर्शन करीने पूजा अर्चना करशे। महत्वनुं छे कि पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट ना अध्यक्ष छे। तो वधु एक वक्त वडाप्रधान मोदी गुजरात प्रवासे आवाना छे। 17 एप्रिल रोज वडाप्रधान मोदी गुजरात प्रवासे आवशे। सूरतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टे राहुल गांधी ने फौजदारी बदनक्षी केस में दोषी ठेरवी बे वर्ष की सजा फटकारी। आ केस मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी ने लईने भाजपा धारासभ्य पुणेश मोदीए कर्यो हतो। जो कि राहुल गांधी ने उपली अदालत में जवा माटे 30 दिवस की मोहलत आपी जामीन आपी दीधा छे। चुकादा वक्त राहुल गांधी कोर्ट में था और सजा बाद लोकसभा की सदस्यता पर वधु एक खतरो सर्जायो। चीफ ज्युडिशियल मेजिस्ट्रेट एचएच वर्माए 17 मार्च सुनावणी पूरी कर चुकादो सुरक्षित राख्यो हतो। वकीले कहूं हतु कि जजे राहुल गांधी ने दोषी ठेरवता पूछू हतु कि शू तमारे कई कहवू छे। तेना पर राहुल गांधीए कहूं कि ते भ्रष्टाचार सामे बोलता रहे छे, परंतु जाणी जोईने आवुं कई कर्यु न हतु। बचाव पक्षना वकीले कहूं कि राहुले जे वात कही हती तेनाथी कोईने हानि थई नथी, तो ओछामां ओछी सजा अपाय। तो फरियादी पक्षना वकीले कहूं कि राहुल गांधी सांसद छे, जे लोको कायदो बनावे छे ते तोड़शे तो आनो समाजमां शुं संदेश जशे, माटे तेमने महत्तम सजा आपवामां आवे। कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उसे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने यह बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के और से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हमको एक कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे। कर्नाटक ने एक चूंटी रैली में मोदी सरनेम ने लेने राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी ना उल्लेख साथ वाधाजनक टिप्पणी करी हती। राहुल गांधी कहूं कि शा माटे तमाम चोरूनी समान सरनेम मोदी जोई छे। आ मामले भाजपा धारासभ्य पुणेश मोदीए मोदी समुदाय अपमान मामले 2019 में राहुल गांधी सामे बदनक्षी की फौजदारी फरियाद करी हती। राहुल गांधी 3 वक्त कोर्ट में रजू थया हता। तेमने निवेदन याद नहीं होवानु कहता सभानु वीडियो रेकॉर्डिंग रजू करायु हतु। चूंटणी अधिकारी ने पण कोर्टे बोलाव्या हता। आ मामला में सजा बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता सामे वधु एक खतरो पैदा थई गयो छे। और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए, और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी के जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सस्पेंड सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया, और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनके तमाम चोरूनी समान सन्ने मोदी जोई छे। आ मामले भाजपा धारासभ्य पुणेश मोदीए मोदी समुदाय अपमान मामले 2019 में राहुल गांधी सामे बदनक्षी की फौजदारी फरियाद करी हती। राहुल गांधी 3 वक्त कोर्ट में रजू थया हता। तेमने निवेदन याद नहीं होवानु कहता सभानु वीडियो रेकॉर्डिंग रजू करायु हतु। चूंटणी अधिकारी ने पण कोर्टे बोलाव्या हता। आ मामला में सजा बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता सामे वधु एक खतरो पैदा थई गयो छे। और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए, और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सस्पेंड सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया, और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दे। सूरत में सर्किट हाउस से राहुल गांधी गुजराती थाड़ी जमवा पहुंचा था। सर्किट हाउस से जेड प्लस सिक्योरिटी काफला साथ मजूरा गेट पास सासूमा होटल में गुजराती थाड़ी की मजा माणी थी। राहुल गांधी साथ प्रदेश नेताओं गुजराती थाड़ी जमवा पहुंचा था।